अभी अभी फिलहाल में अभी राजा है, देख सकते हैं एकदम कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं भैया। पहाड़ी दार्जिलिंग ब्लॉग है, ब्लॉग पूरा देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, जहां मन करेगा वहां शेयर कीजिएगा दोस्तों। और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग राज, आप लोग का नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और काफी आज मस्ती होने वाला है। जैसा कि आप भी, हम लोग सुबह हुआ है, अभी भोर है और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और जा रहे हैं हम लोग बंगाल में जो दार्जिलिंग है, काफी फेमस प्लेस है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए और सभी लोग तैयारी हो रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी कंबल ही छोड़े हैं हम लोग और हम लोग निकल रहे हैं। हम तैयार हैं, देखिए, और विशाल तैयार हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं, हम भी रेडी हो जा रहे हैं, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे। और मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, बाहर में काफी फॉग है, बाहर की तरफ में काफी भीड़ है। देखिए देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, काफी, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, काफी फॉग है, दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग रेडी हो रहे हैं और निकलेंगे अभी, ये अब क्योंकि अभी ये ट्रेन है और देख सकते हैं विशाल कुछ खा ले रहा है, जाएगा ट्रेन में तो ए भूख खड़ का खा रहा है, देखो ये है। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड दी है, ये विशाल खा रहा है। ओ प्रिंस, उठो, चलना है, ट्रेन आ गई है, ब्लॉग बोलना स्टार्ट हो गया भाई। चलो चलो चलो, जल्दी से उठो यार, हम तैयार हैं गाइस। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं सभी साथी हम लोग आ गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं और ये देख सकते हैं, ये अंगड़ाई ले रहा है प्रिंस कुमार, अभी सो को उठा है, ठीक है, ये कल्ले से परेशान है तो हम लोग चल रहे। अब बैग ले यार, कहाँ बैग छोड़ दिया, अभी अभी पूरा मातले है, ठीक है, अभी पूरा माता हुआ है, अब हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं काफी फॉग है, उधर की तरफ स्टेशन है, किशनगंज स्टेशन, हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और देख रहा है पार्क में, देख सकते हैं इतना सा बैलून और हम लोग हाइबर पार्क करने जा रहे हैं। और हम लोग हाईवे पार कर चुके हैं, तुमको लिए तो हम ठीक किए यार, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, देख सकते हैं ये किशनगंज स्टेशन है और जा रहे हैं हम लोग किशनगंज स्टेशन और यहीं से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। गाड़ी कितना बजे है विशाल? 7 बजे गाड़ी है और हम लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ठंडा लग रहा है भाई, काफ़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर में सभी लोग पूरा जैकेट वैकेट डाल के हैं। और हम लोग आ गए टेम्पू स्टैंड के पास में है, टेम्पू स्टैंड है, स्टेशन आ गया। अरे स्टेशन तो वो है, यहाँ पे टेम्पू स्टैंड है, तो अभी फिलहाल तो हम लोग टेम्पू स्टैंड में ही हैं और देख सकते हैं आप लोग जो काफ़ी काफ़ी फॉग दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि यही आ गए हम लोग दार्जिलिंग, अभी आ गए दार्जिलिंग, इसे अभी आए नहीं है दोस्तों, लेकिन से हम लोग दार्जिलिंग पासे में है इसीलिए लग रहा है कि हम लोग दार्जिलिंग ही आ गए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी फॉग दिखाई दे रही है और यही ट्रेन है क्या भाई? नहीं, ये नहीं है, अच्छा, चलिए 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 चलते हैं। तो हम लोग का ट्रेन आने वाली, ये माल गाड़ी है, ये माल गाड़ी है दोस्तों, ओ ये यार दू है, ये एक से उधर चलना पड़ेगा, नहीं ये माल गाड़ी है, ये हम लोग का ट्रेन आई नहीं है और हम लोग आ गए हैं किशनगंज के स्टेशन में आ गए हैं और हम लोग 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए हैं, लेकिन से फिर 6 नंबर पे आने आने वाली है। अभी सो के ही उठवे किया है, ठीक है, इसीलिए अभी इसके मुंह में से आवाज नहीं निकल रहा है, अभी ये के वजह से गला जाम हो गया। अच्छा, सो गाइस, तो हम लोग का ट्रेन जो दार्जिलिंग जाने वाली है तो हम लोग इसी ट्रेन से जाएंगे। क्या हुआ भाई लोग, ये सब लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए, कहाँ जा रहे हैं भाई लोग? अरे कहीं जाना है चाहे नहीं जाना है, सब लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए। हाँ, अब हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ। हाँ, और इसी ट्रेन से हम लोग चल रहे हैं। सो गाइस, तो अभी हम लोग फिलहाल स्टेशन में हैं, सिलीगुड़ी स्टेशन, और ये बंगाल का स्टेशन है,
जो बंगाल में पड़ती है, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, तो हम लोग घूमने के लिए गाड़ी बुक करेंगे, तो हम लोग इस ऑफिस में आए हुए हैं और इसी ऑफिस में हम लोग गाड़ी बुक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो गाइस, तो खाना आ चुका है और बहुत जल्दी जल्दी मार लेते हैं, उसके बाद से हम लोग निकलेंगे। बहुत ही देर हो गया है और इधर भूखर सब खाना खा रहा है। सो गाइस, तो हम लोग का गाड़ी बुक हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। और हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं उस साइड में। सब पॉइंट को दिखाया जाएगा ना। अभी हम लोग सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं, विक्टा से, सुमो विक्टा है। और यहाँ से सब लोग मिरिक पहुँचने के बाद एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, आपको कैमरा से दिखाएंगे। और मिरिक के बाद फिर दार्जिलिंग के लिए प्रस्थान करेंगे और दार्जिलिंग का भी एक एक पॉइंट आपको वीडियो में हम सब दिखाएंगे। और दिखाते हुए अब ड्राइवर हमारा बैठ गए हैं और ड्राइवर बैठने के बाद अब हम सभी शिफ्ट अपना अपना शिफ्ट पे हैं और चलने के लिए रेडी हैं। ड्राइवर चलते हैं हम भी बैठने के लिए। आइए। क्या नाम है आपका? गाड़ी भी चालू हो चुकी है। ड्राइवर नेम, हु इज नेम, नेम, नेम क्या? चलो, लोग आए हैं अभी तो सारा चीज बाकी है दोस्तों, सारा चीज अभी बाकी है देखने के लिए। अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी आगे देखिए क्या होता है। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्यारा सा घर जो पहाड़ में बनाया गया है। ये हम लोग का एक ब्लॉग, आज का इस ब्लॉग का नाम हम लोग रख रहे हैं पहाड़ी ब्लॉग, पहाड़ी दार्जिलिंग ब्लॉग। और इसे शेयर कीजिएगा, जहाँ मन करेगा वहाँ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग भी यहाँ पे आइएगा घूमने के लिए, तो काफी मजा आएगा। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे जो घर आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये काफी मुश्किल भरा होगा बनाने में इस घर को। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफी कठिनाई हुआ होगा इस घर बनाने में, क्योंकि पहाड़ में घर बनाया गया है। और देख सकते हैं जो घर आप लोग को दिखाई दे रहा है। ओ, अब आ गया एडवेंचर का मजा, आ गया एडवेंचर का मजा लेने आ गए हम लोग। देखिए वाओ, देखिए ऊपर में अभी तो फॉग ही चारों तरफ है, इसी के कारण उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मिरिक लेक और हम लोग दिखाने वाले हैं आप लोग को यहाँ के अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हैं।